ये देखिए बिल्कुल एकदम से आपको बिल्कुल ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो उन सब के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है जो कि वेट लॉस जर्नी में है, जिन्होंने जस्ट अभी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, या वो इन बिटवीन हैं, या वो कर चुके हैं बट उनको रिजल्ट नहीं मिले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू करने वाला हूँ प्लिक्स का एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स। आपने बिल्कुल सही सुना, एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स। आपने आज तक काफ़ी ज़्यादा एप्पल साइडर विनेगर यूज़ किया होगा, लिक्विड एप्पल साइडर विनेगर, बट आज की वीडियो एक आई ओपनर होने वाली है आप सबके लिए कि क्या डिफरेंस होता है एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स में और लिक्विड एप्पल साइडर विनेगर में। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स में होती हैं जो लिक्विड एप्पल साइडर विनेगर में नहीं होती, और जो आपके वेट लॉस गोल में प्रॉब्लम आ रही है, आपका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपरली कैसे एप्पल साइडर विनेगर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग, आप भी अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करते हैं, आप भी मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक एप्पल साइडर विनेगर लेते होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। सो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे आपको रिजल्ट मिले, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। सो अभी वीडियो में मैं आपको पूरा इसको डिसॉल्व करके बताऊंगा कि एप्पल साइडर विनेगर कैसे, ये जो प्लिक्स का है ये डिसॉल्व होता है वाटर में। इसका जो लिंक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो देखने के बाद चेकआउट कर सकते हैं। इसका बेस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा ऑनलाइन अवेलेबल अमेजन पे। सो अगर हम एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स की बात करें, सो ये कैसे डिफरेंट होती हैं लिक्विड एप्पल साइडर विनेगर से। ये जो प्लिक्स का एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स हैं, इनमें विटामिन B12 होता है, विटामिन B6 होता है, बट जो लिक्विड एप्पल साइडर विनेगर होते हैं उनमें ये सब प्रेजेंट नहीं होता है, और ये काफ़ी पोर्टेबल है। अब ये देखिए, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको ये सिर्फ अपने साथ कैरी करना है। इसको आपको यहाँ से इसका ये ओपन करना है, और अंदर आपको इसकी टैबलेट्स जो होंगी वो मिल जाएंगी। सो इसका जो एक पैक होता है, इसमें 15 टैबलेट्स आती हैं। आप कहीं पे भी अपनी जर्निंग में कहीं पे भी इसको साथ में लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और दूसरा मेन पॉइंट क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है रेगुलर एप्पल साइडर विनेगर में और एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स में, ये आपके एनिमल को डैमेज नहीं करती है। अगर आपने आज तक जितने भी लिक्विड ACVs लिए होंगे, उनमें क्या होता है कि आपके जो एनिमल होता है वो ऐसे थोड़ा सोर होने लगता है, थोड़ा श्रेड होने लगता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है आपके एनिमल में, आपके टीथ में काफ़ी प्रॉब्लम आती है जब आप रेगुलर एप्पल साइडर विनेगर पीते हैं, वो इसमें कुछ भी नहीं है। एंड सबसे बेस्ट बात मेरे को क्या लगी, जब मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ, इसका बिल्कुल भी विनेगर वाला टेस्ट नहीं है। थोड़ा सा तो है बट वो ना के बराबर ही है। अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि आप एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी है इसकी टेस्ट, और इसमें आपको बिल्कुल भी वो नहीं लगेगा कि हम पता नहीं नाक बंद करके, होता है ना काफ़ी लोग जब एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करते हैं नाक बंद करके पीते हैं, भाई उसका क्या फ़ायदा। अगर आप चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हो तो उस चीज़ को लेने का फ़ायदा ही नहीं है। वो चीज़ इस प्लिक्स के एप्पल साइडर विनेगर में बिल्कुल भी नहीं है। सो चलिए मैं आपको अब इसको वाटर में डिसॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे डिसॉल्व होता है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, और हाँ सबसे मेन बात एग्जैक्ट तरीका इसको आपको कब लेना है और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। सो आपको क्या करना है, इसकी जो एक टैबलेट है वो आपको 250 ml वाटर में डालनी है। ये जैसे मैंने इसके आपको ऐसे टैबलेट होती है इसकी एक पूरी प्रॉपर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इतना अच्छा टेस्ट आता है, आपको सिर्फ एप्पल का ही टेस्ट आएगा। इसको आपने डायरेक्ट पहले ग्लास में नहीं डाल देना, आपको 250 ml वाटर लेना है। रेगुलर एप्पल साइडर विनेगर में क्या होता है कि आपको बहुत मुश्किल होती है पीने में, सो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड अब ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे डिसॉल्व होता है वाटर में, ये देखिए ध्यान से, अगर मैं हो सका तो क्लोजअप भी बताऊंगा। ये देखिए बिल्कुल एकदम से आपको बिल्कुल ये देखिए कैसे डिसॉल्व हो रहा है। एंड ऊपर जो आपको ये झाग झाग दिख रही है ना, ये यीस्ट और बैक्टीरिया है, क्योंकि इस एप्पल साइडर विनेगर में मदर प्रेजेंट है। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि मदर क्या होती है, मदर ये होता है कि यीस्ट और बैक्टीरिया का कम्बिनेशन, उसको हम मदर बोलते हैं। देखिए आपसे बात करते करते विद इन नो टाइम बिल्कुल पूरा वाटर में डिसॉल्व हो गया हमारा ये एप्पल साइडर विनेगर। सो ये देखिए बिल्कुल वाटर में पूरा डिसॉल्व हो गया, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो ऊपर फ्रॉथ आ रही है ये यीस्ट और बैक्टीरिया का कम्बिनेशन है। अगर हम इसकी स्मेल करें, इसमें बिल्कुल भी विनेगर टाइप की बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, कोई भी ऐसे वॉमिट वाली स्मेल नहीं है, कोई भी आपको नाक बंद करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली अब मैं इसका टेस्ट करता हूँ कि कैसा टेस्ट है इसका, रिफ्रेशिंग। अगर आप, मैं कहूँ अगर आप एक मोजीटो पीते हो, अगर आपने एक वर्जिन मोजीटो पिया होगा और आप ये लेते हो,
तो बिल्कुल सेम टेस्ट रहेगा इसका, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि विनेगर इसमें एडिड है। अब बात आती है कि आपको एप्पल साइडर विनेगर कब कंज्यूम करना चाहिए। आप सब क्या करते हैं, मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कर लेते हैं, बट आपको एक्चुअल में ये नहीं पता होगा कि एप्पल साइडर विनेगर आपकी बॉडी में करता क्या है, ये फंक्शन कैसे करता है, आपकी बॉडी में क्या चीज़ें करता है। अब एप्पल साइडर विनेगर लेने की बेस्ट टाइमिंग क्या है, आपको लंच के 1 आवर पहले, आप कोई भी मील लेते हैं उसके हाफ एन आवर पहले या 1 आवर पहले आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है। एप्पल साइडर विनेगर क्या करता है, जितना कि मैंने अभी तक नोटिस किया है, मैं कोई गूगल से नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो खुद में फील किया मैं वो बता रहा हूँ, ये क्या करता है, आपकी एपिटाइट को रिड्यूस करता है, आपकी क्रेविंग्स को रिड्यूस करता है। अगर आपको एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी तो अल्टीमेटली आप अपने मील्स में कम खाना खाओगे, और ये फैट बर्निंग इफेक्ट, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है 6%, तो ये आपके बॉडी में क्या करता है, फैट बर्निंग इफेक्ट शो करता है। सो एग्जैक्ट टाइम एप्पल साइडर विनेगर लेने का ये है, आप कोई भी मील लेनी है उससे 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है। सो आई होप आपको जो प्लिक्स का एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट्स हैं इसका और जो लिक्विड एप्पल साइडर विनेगर होता है इसके पॉइंट्स पता लग चुके होंगे कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। सबसे मेन बात तो इसकी एक पोर्टेबल है, एक तो सबसे दूसरी बात सबसे बेटर ये इतना टेस्टी बहुत है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही ऑसम है। सो लेने का मैंने आपको सही तरीका बता दिया, अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप फिर भी लिक्विड ACV लेना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपके पैसे हैं, बट मैं तो यही यूज़ कर रहा हूँ और इन फ्यूचर भी मैं यही यूज़ करूँगा अपने डाइट शेड्यूल में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना जो लिक्विड एप्पल साइडर विनेगर परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या पता आप उनके पैसे बचा सकते हो और उनकी हेल्थ भी बचा सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।